गया श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप पिशाच मोचन पर पिंडदान नहीं करते, क्योंकि हमारे कुल में कौन प्रेत योनि में है हमको नहीं मालूम, तो प्रेत योनि के अक्षय गति के लिए लोग यहाँ आते हैं। दानी तीर्थ है ये, माँ गंगा धरती पर अवतरित नहीं हुई थी उसके पहले का ये तीर्थ है। यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि के वरदान से उस समय सर्वप्रथम ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिली थी। तब उस ब्रह्म राक्षस ने उनसे पूछा कि हमको तो मुक्ति मिल गई, लेकिन कलयुग में हर घर में प्रेतों का भूतों का वास होगा, उनको मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में जो लोग यहाँ आएंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनके घर में अगर बाधा का अगर कोई अंश है तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तब से यहाँ लोग आने लगे। तब इसके पहले यहाँ का नाम विमल तीर्थ हुआ करता था, अब पिशाच मोचन हो गया। वहीं से पिशाच मोचन, मतलब जैसा कि नाम में आप देख रहे हैं, पिशाचों को मोचन का स्थान, मुक्ति का स्थान।